सामान रखा हुआ है जो हम लेके जा रहे हैं साथ। मरियम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम, और ये है टंडो आदम का सेकंड व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं हसन जमील के फार्म हाउस, और वहाँ पर जो है पार्क भी बना हुआ है और हवेली भी है, लेकिन हवेली जो है वो बंद थी। मैंने जो है टंडो आदम का एक व्लॉग डाला था, टंडो आदम की सौगात, एक साल हो गया माशाल्लाह, वो वीडियो मेरी वायरल भी हुई है। तो उस पर कॉमेंट आया था मुझे कि आप हसन जमील के फार्म हाउस की वीडियो बनाओ। तो आज जो है हम यहाँ पर जा रहे हैं, और हमने जो है बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया पूरे रास्ते। और ये काफ़ी दूर है, और यहाँ लोगों के बागात भी है, फसलें भी उगी हुई है, और यहाँ खजूर के दरख्त है, और केले के पौधे, फालसे के भी पौधे रास्ते में, और केरी के भी दरख्त हैं। हम लोगों को बहुत मज़ा आया, और हम लोग चिंची में गए थे और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और हर तरफ हरियाली हरियाली थी, देख के बहुत सुकून मिल रहा था। और ये जो है केरी के दरख्त थे। हम लोग काफ़ी दूर चले गए थे, और थोड़ा दूर और जाते तो शहजादपुर आ जाता, और अब हम लोग वापस मुड़ जाएंगे। मेरे को भी डरा ही। अरे जी बुरी आ रहा, थोड़ी सी भी है ना, वो हकड़ी होती बहुत ही। अभी चलेंगे सर, इसके लिए पुल कहाँ है भाई? उछलने प्यारे बच्चे, क्या चीज है ये? मोर, मैं बच्चा नूनू। ये अच्छी वाली नूनू है। ये बता, ये बुला रही है आपको, ये बुला रही है आपको।
कबूतर है ना। वो तो वच्ची, वो तो वच्ची। और ये बतख। वो देखो चटनू। मोर है मोर। बड़ी वाली। ये वाली नजर नहीं आ रही। क्या था वो सेवन बुनियों के पत्ते, खजूर के पत्ते। हाँ वो खजूर है तो लटक रही है। नहीं खजूर है ना। हाँ। मैं ये बोली तो खजूर का दरख्त लग रहा है। ये बोल रही थी ये क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा। ये ना निमड़ी, ये निमड़ी। हाँ मीनू पीछे मुड़ के देखो। कहाँ पीछे मुड़ के देखो, क्या देख रही हो आप? कहाँ है? चलो चले देख के। यहाँ पर आई थी आप, ये देख रही हो? ये तो थोड़ी। हाँ ये रे ऊपर रहेंगे, ऊपर वाले बोल रही होगी। ये जगह बिल्कुल जंगल की तरह है। यहाँ केरी के दरख्त और लीबू के दरख्त भी काफ़ी सारे थे, और यहाँ एक छोटा सा पार्क भी है और थोड़े बहुत जानवर भी है और हवेली भी है एक, वो लेकिन बंद थी, अब वहाँ नहीं जा सके। और ये जगह फ़ोटोशूट कराने के लिए भी बहुत अच्छी है, और यहाँ हमने काफ़ी सारे फ़ोटोशूट करवाए और हमें जो है बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया है यहाँ पे। Hehehe
और हमारा जो है अचानक से प्लान बन गया था। हम सोच रहे थे आज जाएं कि कल जाएं, फिर हमने सोचा चलो आज ही चलते हैं। तो पप्पी ने जो है चने की चाट बनाई थी, हम लेके गए थे साथ। अभी बज रहे हैं रात के 10 और यहाँ हो रहा है डिनर का टाइम। तो यहाँ हम सब खाना खा रहे हैं और हम लोग जो है 5 बजे गए थे और 8 बजे तक आ गए थे। और हम लोगों को जो है काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। और हम जो है दूसरे गांव भी गए थे, वो वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगी। और ये है बटका कुल्फ़ी और ये मुझे कुछ ख़ास पसंद ले आई थी। और ये बेगो, ये बहुत मज़े की थी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।